नावा विधानसभा के परिणाम में आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं रहा। आम जन को चुनाव से ही कहीं ना कहीं पूर्वानुमान था कि विजय सिंह चौधरी 20,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करेंगे। ठीक वैसा ही परिणाम भी नजर आया। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में नावा सीट से भाजपा के विजय सिंह चौधरी दूसरी बार नावा से विधायक निर्वाचित हुए। विजय सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के निवर्तमान विधायक एवं निवर्तमान सरकार में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को 23,948 मतों से पराजित किया। विजय सिंह चौधरी को कुल 106,159 मत प्राप्त हुए व कांग्रेस के महेंद्र चौधरी को 82,211 मत मिले। कुछ उत्साही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह केवल सट्टा बाजार की हवा लग रही थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि खुद महेंद्र चौधरी को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही थी। तभी तो वह राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनाव लड़ रहे थे। उपमुख्य सचेतक रहते हुए विकास के साथ साथ आम जन के दिलों में विश्वास बना लेते तो शायद यह हार नहीं होती। विजय सिंह चौधरी की सादगी आमजन के दिलों पर राज करती है। हर कोई उनका मुरीद बना हुआ है। जबकि विजय सिंह चौधरी कभी संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं हुए, लेकिन आमजन के दुख दर्द में वह पूरे 5 साल जनता के बीच रहे। महेंद्र चौधरी में इसका अभाव रहा। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में तो वह नावा को मानो भूल ही गए। कोरोना काल में जरूर महेंद्र चौधरी आमजन के हितों के साथ खड़े हुए, लेकिन भ्रष्टाचार की कुल्हाड़ी से वह खुद को नहीं बचा सके। महेंद्र चौधरी की कार्यशैली हर किसी कार्यकर्ता के मन में खटक रही थी। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी चौधरी को हराने की मंशा से उनके साथ काम कर रहे थे। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ही उनकी हार को बढ़ाने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहे थे। चौधरी ने भी अपने ही हितैषी लोगों का नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्षदों का विरोध भी हर बार दरकिनार कर गए। दूसरे जनप्रतिनिधि भी अपने काम नहीं करवा सके। यही एक कारण रहा कि महेंद्र चौधरी चुनाव के मौके पर एक रणनीति के तहत कुमावत वोट बैंक में सेंधमारी का विफल प्रयास करते रह गए। ना तो कुमावत समाज टूटा और ना ही महेंद्र के सपने पूरे हुए। अब भाजपा की सरकार बनी है तो सत्ता पक्ष के विधायक होने का फायदा भी नावा विधानसभा को मिले। पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी नावा तहसील के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, कर्मठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। और आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो कांग्रेस का कुराज था वो ख़त्म हो गया है और सुराज आएगा और बहुत विकास होगा राजस्थान के अंदर, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। चरण क्षेत्र की जनता को जिला बनाने की खूब उम्मीद थी, लेकिन अंतिम समय तक नहीं बन पाया था। जनता को अब क्या उम्मीद बनाएंगे आप? जनता को उम्मीद बनाएंगे कि जो जिले की घोषणा की है उसको पूरा करवा कर ही रहेंगे कि कुचामन सिटी जिला बने। कुचामन और नाव की जनता के लिए क्या योजनाएं रहेगी, क्या प्राथमिकताएं रहेगी? जो भी प्राथमिकता के आधार पर सबसे बड़ी पानी की समस्या है, तो ये चाहेंगे कि नहर का पानी आए नागौर जिले के अंदर और नावा तहसील के अंदर। नाव का नमक उद्योग काफ़ी उम्मीदें रखता है सरकार से, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। क्या विजय सिंह चौधरी उन उम्मीदों को पूरा करेंगे? नावा के नमक उद्योग की बात है तो नावा का नमक उद्योग उनको जो भी समस्या उनको दूर करवाएंगे और उसको किसान की श्रेणी में लाएंगे, क्योंकि वो भी किसान की तरह खेती है, वो कोई उद्योग नहीं है, खेती का ही काम है। मीठे पानी के अंदर जो गेहूँ कर लेते हैं और जो खारा पानी है उसमें नमक निकल जाता है, खेती का दर्जा दिलवाएंगे उसको। आपके मुताबिक वर्तमान कार्यकाल कैसा था और अब आप क्या संदेश देंगे जनता? जो भय का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, उसको दूर करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सबको साथ, सबका विकास की भावना रखेंगे। Thank you.